कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस ने बेलगाम रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन दीपक होटल परिसर में कुछ लापरवाह रिक्शा चालक सवारी बिठाने के लिए यहां वहां रिक्शा खड़ी करते हैं, जिससे स्टेशन परिसर में सामान्य लोगों को ट्रैफिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चंद रिक्शा चालक ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस और वर्दी के रिक्शा चलाते हैं, जिस वजह से ईमानदार रिक्शा चालकों को बदनाम होना पड़ता है। ऐसे ही बेलगाम रिक्शा चालकों पर अंकुश लगाने के लिए परिमंडल 3 के DCP विवेक पानसरे, कल्याण के ACP अनिल पवार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस के सीनियर सुखदेव पाटिल सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने लगभग 200 रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की, जिसमें बिना लाइसेंस वर्दी न पहनने वाले और मास्क न लगाने वाले रिक्शा चालकों का समावेश है। वहीं आपको बता दें कि अनलॉक में रिक्शा चालकों के खिलाफ कल्याण पुलिस की यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आज रिक्शा वाले बस स्टैंड परिसर रिक्षा उभ्या करता बरच लोक प्राप्त है अनुषंगाने KDMC पुलिस विभाग RTO विभाग वाहतूक शाखा या सर्वांच्या मदतीने आज आम्ही जवळजवळ 100 रिक्षांवर कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये युनिफॉर्म न वापरणे, मास्क न वापरणे, ज्या ठिकाणी थांबा नाही त्या ठिकाणी उभे राहणे किंवा बसमधल्या जे बसमध्ये जाणारे प्रवासी आहेत त्या प्रवाशांना फसवून आपल्याकडे खेचून घेणे, अशा पद्धतीचे जी अनागुंती चाललेली आहेत त्या पद्धतीच्या त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।